अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान अमेजिंग टेस्ट के साथ टू इंग्रेडिएंट मैंगो कुल्फी इसको बनाना बहुत आसान है टेस्ट में शर्तिया लाजवाब है कि ये आपको आपके बचपन की याद जरूर दिला देगी ये अमेजिंग सी मैंगो कुल्फी आप भी घर में बनाए और अपने बचपन की याद को ताज़ा कीजिए का आगाज करते हैं तो टू इंग्रेडिएंट कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं मैंगोज इन दो अधिक मैंगोज यानी आम का इस्तेमाल करते हुए हम चार मजेदार सी कुल्फिया बनाएंगे तो सबसे पहले हम मैंगो का छिलका उतार लेंगे छिलका उतार लेने के बाद अब हम मैंगो को कट कर लेंगे और कट कर लेना है इनको क्यूब्स के फॉर्म में तो अल्हमदुल्ला यहाँ पे शानदार से मैंगोज को क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है उसके बाद यहाँ पे हमने प्यूरी बना लेनी है तो यहाँ पे इन दो अदद मैंगोज को कट करके इनकी प्यूरी भी तैयार कर ली है जस्ट हम मैंगो प्यूरी यूज करेंगे हमने सिर्फ इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है दैट इसमें मिल्क एड नहीं करना यहाँ पे अब मैं इस्तेमाल करूंगी दूसरे इंग्रेडिएंट का जो कि है कंडेंस मिल्क ये होममेड कंडेंस मिल्क है आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं बहुत ही आसान है कंडेंस मिल्क घर में बनाना कंडेंस मिल्क का कर इस्तेमाल करेंगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक आपको कितना मीठा पसंद है तकरीबन यहाँ पर मैंने तीन से चार खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है कंडेंस मिल्क मैंगो प्योरी में ऐड कर लेने के बाद अच्छे से इसको विस्क कर लेना है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने इसको विस् कर लिया है और हमारे पास कुल्फी का बैटर रेडी हो चुका है अब यहाँ पे मैंने कुल्फी को जमाने के लिए कुल्फी का मोल ले लिया है तो अब हम लेंगे कुल्फी को जमाने के लिए मोल्ड्स यहाँ पे मैंने प्लास्टिक के मोल लिए हैं और वन बाय वन इनमें हम ये कुल्फी का जो बैटर हमने तैयार किया है आसान से अंदाज में वो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से इन मोल्ड्स में मैंने कुल्फी का बैटर डाल लिया है तो आपने देखा दो अदद मैंगोस का इस्तेमाल करते हुए आप चार मजेदार सी कुल्फिया बना सकते हैं तो बस अब हम इनको कवर कर देंगे और कवर करके हम इनको कर लेंगे फ्रीज फ्रीज करना है तकरीबन टाइम है सात से आठ घंटे का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सात से आठ घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे ये यह हमारे पास अच्छे से कुल्फिया फ्रीज हो चुकी हैं अब हम लेंगे एक अलहदा बर्तन जिसमें हमने ले लेना है नॉर्मल टेम्परेचर का पानी और ये कुल्फी का मोल्ड यहाँ पे प्लेस कर देना है उसके बाद ये देखिए कितनी आसानी से ये इससे अलहदा हो जाएंगी इस तरीके से तमाम की तमाम कुल्फिया मैं यहाँ से अलहदा कर लूंगी और हम इस पानी को कर देते हैं साइड पर अब हम देखते हैं ये शानदार सी मजेदार आपके बचपन की याद को ताजा कर देने वाली कुल्फी यहाँ पे देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको ये टू तो इंग्रेडिएंट आसान सी मैंगो कुल्फी पसंद आए तो आप इसको जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें अपने बच्चों को बनाकर दें और एंजॉय करें वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिए चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ ताकि ऐसे ही इजी सिंपल क्विक और यूनिक रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको वक्त मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा खुश रहिए और खुश रखिए अल्लाह हाफिज